हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुधा डबराल। वेलकम टू सुधास क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास टेंथ का चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.3 करने जा रहे हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मैथड। हमें लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है लेकिन सब्स्टिट्यूशन मैथड को अप्लाई करते हुए। ओके, इस क्वेश्चन में 6 पार्ट्स हैं। हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। पहले x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 4। इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, दो इक्वेशन दी गई हैं और हमें अब सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करना है। ओके, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप कोई सी भी एक इक्वेशन ले लीजिए, चाहे आप फर्स्ट इक्वेशन लो चाहे सेकेंड इक्वेशन लो। मैंने फर्स्ट इक्वेशन ले ली है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14। ओके, x इक्वल्स टू 14, y को जब हम इधर लेके जाएंगे तो माइनस वाई, ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई। ओके बच्चों, अब क्या करना है आपने, थर्ड इक्वेशन में जो x की वैल्यू आई है उसको आप सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन टू। ओके, आप इक्वेशन टू लिख लीजिए, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 14 माइनस वाई। ओके, ये हो गया और माइनस वाई इक्वल्स टू 4। अब आप यहाँ ब्रैकेट लगाओ या ना लगाओ चलेगा, कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए 14 माइनस वाई क्या हो जाएगा, माइनस टू वाई इक्वल्स टू 4। माइनस टू वाई इक्वल्स टू 4, 14 को हम राइट हैंड साइड लाएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा। ओके, माइनस टू वाई इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा माइनस 10। ओके, और माइनस इसलिए आया क्योंकि 14 4 से ग्रेटर है और 14 का साइन नेगेटिव है। ओके, माइनस से माइनस कैंसिल, तो वाई इक्वल्स टू 10 अपॉन 2। ओके, तो 2 5 जा 10, वाई इक्वल्स टू 5। ये हमारे पास वाई की वैल्यू आ गई 5। अब हम y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन थर्ड पर। ओके, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। और इक्वेशन थर्ड है x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई। एक्स इक्वल्स टू 14 माइनस वाई की वैल्यू कितनी है बच्चों, 5। x इक्वल्स टू 9। ओके, हमारे पास x की वैल्यू 9 आ गई है और y की वैल्यू 5 आ गई। क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, s माइनस t इक्वल्स टू 3, s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल्स टू 6। आपकी मर्जी है आप कौन सी इक्वेशन से आप पहले सॉल्व करना चाहते हैं, इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड। लेकिन मैं इस पार्ट में देख रही हूँ, सेकंड पार्ट में, कि मेरे पास जो सेकंड इक्वेशन है उसको अगर मैं पहले सॉल्व करूं तो वो मेरे लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसलिए मैं चाह रही हूँ कि हम सेकंड इक्वेशन ले लें। ओके, तो मैं सेकंड इक्वेशन लेती हूँ, s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल्स टू 6। जब एलसीएम लूँगी तो आएगा 6 आएगा। ओके, 6 को 3 से डिवाइड कीजिए कितना आएगा, 2, और 2 को s से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2s हो गया। बहुत ईजी होता है, आप 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा और 3 को t से मल्टीप्लाई कीजिए तो 3t इक्वल्स टू 6। ओके, अब आप इस 6 के नीचे 1 मान लीजिए, 6 के डिनोमिनेटर में 1 ले लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जब 2s प्लस 3t को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2s प्लस 3t आएगा। ओके, इक्वल्स टू 6 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 6 36। ये इक्वेशन थर्ड आ जाती है। ओके, मैंने इसलिए सॉल्व किया ताकि ये थोड़ा एक इजी हो जाए। ओके, अब हम फर्स्ट इक्वेशन लेंगे, s माइनस t इक्वल्स टू 3। आप s इक्वल्स टू t को उधर लेके जाएंगे तो 3 प्लस t हो जाएगा। ओके, ये हमारे पास आ गई फोर्थ इक्वेशन। अब हम फर्स्ट और सेकंड को ना लेके थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन को लेके चलेंगे। ओके, अब हम s की वैल्यू को किस पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, थर्ड इक्वेशन पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन थर्ड। ओके,
एस प्लस थ्री टी इक्वल्स टू 36, ये थर्ड इक्वेशन है। ओके अब हम इस पर एस की वैल्यू रख देंगे, तो टू एस, एस कितना है, थ्री प्लस टी प्लस थ्री टी इक्वल्स टू 36। अब इसका मतलब है कि 2 और इस ब्रैकेट के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, तो इस 2 की मल्टीप्लाई 3 से भी होगी और इस 2 की मल्टीप्लाई टी से भी होगी। ओके तो 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, 2 थ्री 6, और 2 को जब टी से करेंगे तो 2t, फिर आया हमारे पास प्लस 3t बचे हैं इक्वल्स टू 36। ओके 6 प्लस इन दोनों को ऐड करो तो 5t इक्वल्स टू 36, 5t इक्वल्स टू 36, 6 को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो नेगेटिव का हो जाएगा, 5t इक्वल्स टू 36 माइनस 6 इज 30, टी इक्वल्स टू 30 अपॉन 5, 5 6 है 30 और टी की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। ओके अब जब 6 आ गई है हमारे पास टी की वैल्यू, तो हम इस इक्वेशन को किस में, टी की वैल्यू को हम फोर्थ इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे। ओके सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन फोर्थ। ओके और इक्वेशन फोर्थ है हमारे पास एस इक्वल्स टू 3 प्लस टी, एस इक्वल्स टू 3 प्लस टी की वैल्यू कितनी आई 6, एस इक्वल्स टू 9। तो हमारे पास यहाँ पर एस की वैल्यू आ गई है 9 और टी की वैल्यू आई है 6। ओके ये हमारा आंसर है। थर्ड पार्ट में हमें दो इक्वेशन गिवन है, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन, इसको हम सॉल्व करेंगे, इसमें भी हम सब्सटीट्यूटिंग मेथड यूज़ करेंगे। ओके तो मैं फर्स्ट इक्वेशन लेके चलती हूँ, तो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। ओके तो 3x इक्वल्स टू 3, वाई को हम उधर लेके तो प्लस वाई, एंड देन x इक्वल्स टू 3 प्लस वाई अपॉन 3। ये एक्स, 3 जो है x के साथ जो 3 था वो राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में आ गया और डिवाइड हो गया। ओके ये हमारे पास आ गई थर्ड इक्वेशन, ये है x की वैल्यू। अब हम x की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में। ओके सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, और सेकेंड इक्वेशन है 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। x की वैल्यू क्या है, ब्रैकेट लगा दें, x की वैल्यू लिख दीजिए 3 प्लस वाई अपॉन 3 ब्रैकेट क्लोज माइनस 3y इक्वल्स टू 9। अब आप यहाँ देखोगे ध्यान से तो 9 और इस ब्रैकेट के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। ओके जब यहाँ मल्टीप्लाई है और हम 9 के नीचे डिनोमिनेटर में हम 1 मान लेते हैं, तो अब आप देखो ये 3 और ये 9 कैंसिल हो सकते हैं, तो 3 वन से 3 और 3 थ्री 9। अब मेरे पास क्या है यहाँ पे, 3 ब्रैकेट 3 प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज माइनस 3y इक्वल्स टू 9, तो 3 थ्री 9 हो गया, प्लस 3 को y से करेंगे तो 3y माइनस 3y इक्वल्स टू 9, प्लस 3y नेगेटिव 3y से कैंसिल हो गया और हमारे पास आया 9 इक्वल्स टू 9। ये सिचुएशन क्यों अराइज हुई कि जब y की वैल्यू कोई स्पेसिफिक नहीं आई है, x की वैल्यू भी नहीं आएगी, x की भी कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं आएगी, जब y और x की कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं आई है तो ये सिचुएशन क्यों अराइज हुआ। ये सिचुएशन इसलिए अराइज हुआ क्योंकि आप अगर देखेंगे तो ये दोनों इक्वेशन क्या है, सेम है, और जब दोनों इक्वेशन सेम है तो इनके सोल्यूशन क्या होंगे, इन्फिनेटली मैनी सोल्यूशंस होंगे। ओके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस। ओके ये रीज़न आपको समझ में आया कि इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन क्यों आया, क्योंकि जब y की स्पेसिफिक वैल्यू नहीं आई तो x की भी कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है, और ये सिचुएशन इसलिए अराइज हुई क्योंकि दोनों इक्वेशन जो हैं एक सेम हैं, और जब दोनों इक्वेशन सेम होती हैं तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होता है। क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ पार्ट में हमें दो इक्वेशन की गिवन है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन में कोई भी एक इक्वेशन ले लीजिए। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन ले ली है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3। ओके तो 0.2x इक्वल्स टू 1.3 और 0.3 को मैं राइट हैंड साइड लेगी तो वो नेगेटिव हो गया।
एक्स इक्वल्स टू 1.3 माइनस 0.3 वाई अपॉन 0.2। हमारे पास ये आ गई थर्ड इक्वेशन। ओके, अब हम इस पे हमें इस थर्ड इक्वेशन में हमें एक्स की वैल्यू मिल गई है। ओके, अब हम इस एक्स की वैल्यू को थर्ड सेकेंड इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे। तो सब्सटीट्यूटिंग दी वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकेंड। ओके ओके, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। 0.4 ब्रैकेट x की वैल्यू कितनी है, 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। ओके, यहाँ पे देखिए 0.4 और इस ब्रैकेट के बीच में क्या है, कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई। अगर आप 0.4 के डिनोमिनेटर में 1 लिख देंगे तो अब आप यहाँ देखो कि इधर 0.2 है और इधर ऊपर 0.4 है, तो ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं। 0.2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.4 आएगा। ओके, 2 ब्रैकेट 1.3 माइनस 0.3y ब्रैकेट क्लोज प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। ओके, ये पॉइंट है, 2 की मल्टीप्लाई 1.3 से करेंगे तो क्या आएगा, 2.6 आएगा। माइनस 0.3y को 2 से करेंगे तो 0.6y आ गया, 0.5y इक्वल्स टू 2.3। ओके, हमारे पास ये आंसर है। अब हम क्या करेंगे कि 2.6 हम लिखेंगे और 0.6y ये माइनस में और 0.5y ये प्लस में है, तो हम इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस 0.1y इक्वल्स टू 2.3। ओके, माइनस 0.1y इक्वल्स टू 2.3 और 2.6 को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। ओके, तो माइनस 0.1y इक्वल्स टू, हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर माइनस 0.3। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y इक्वल्स टू 0.3 अपॉन 0.1, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गए तो y की वैल्यू आ गई 3। ओके, अब हम इस y की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड पर सब्सटीट्यूट करेंगे। ओके, किसकी वैल्यू को, y की वैल्यू को। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। ओके, x इक्वल्स टू 1.3 माइनस 0.3 y अपॉन 0.2। x इक्वल्स टू 1.3 माइनस 0.3 और y की वैल्यू कितनी आई है, 3 आई है, अपॉन में 0.2। x इक्वल्स टू 1.3 माइनस, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 0.9 अपॉन 0.2। ओके, अब यहाँ देखो x इक्वल्स टू, अब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए, जब दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 0.4 अपॉन 0.2 आया और जब इनको कैंसिल किया तो हमारे पास x की वैल्यू 2 आई, तो x हमारे पास 2 आ गया, y हमारे पास 3 आ गया। ओके, तो x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 3। दो लीनियर इक्वेशन गिवन है। ओके, आप इनमें से कोई सी भी इक्वेशन ले लीजिए। फर्स्ट इक्वेशन है, मैं ले रही हूँ, तो 2x प्लस रूट 2x प्लस रूट 3y इज इक्वल्स टू 0। रूट 3y इक्वल्स टू, जब मैं रूट 2x को राइट हैंड साइड लेके गई तो नेगेटिव हो गया रूट 2x। y इक्वल्स टू माइनस रूट 2x अपॉन रूट 3। ओके, ये मेरे पास आ गई y की वैल्यू। ओके, अब सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, और इक्वेशन सेकेंड है रूट 3x माइनस रूट 8y इक्वल्स टू 0। रूट 3x माइनस रूट 8 और y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस रूट 2x अपॉन रूट 3। ओके, इक्वल्स टू 0। रूट 3x माइनस रूट 8 को माइनस रूट 2 से करेंगे तो प्लस रूट 16x अपॉन रूट 3 इक्वल्स टू 0। ओके, रूट 3x प्लस
रूट 16 के आप फैक्टर करेंगे तो 4 इंटू 4 आएगा, तो 4 के पेयर बन के तो रूट हट जाएगा और 4 एक बाहर आ जाएगा, तो 4x अपॉन रूट 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ रूट 3 के डिनोमिनेटर में हमने 1 ले लिया और अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लिया तो रूट 3 आया, 1 और रूट 3 को डिवाइड करोगे तो रूट 3 आएगा, रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा, 3x प्लस रूट 3 को रूट 3 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 को 4x से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 4x हो गया। अब ये दोनों क्या हैं, पॉजिटिव हैं, तो दोनों को ऐड कर दोगे तो 7x अपॉन रूट 3 इक्वल्स टू 0। रूट 3 को आप यहाँ लेकर जाएंगे, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 7x इक्वल्स टू रूट 3 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, एक्स इक्वल्स टू 0.7, और जब डिवाइड करोगे तो 0 को 7 से, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई, 0 आई। अब x की जो वैल्यू है 0, उसको हम थर्ड इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे। ओके, तो सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। ओके, और थर्ड इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू माइनस रूट टू एक्स अपॉन रूट थ्री, y इक्वल्स टू माइनस रूट टू मल्टीप्लाई, x की वैल्यू कितनी है 0, हम यहाँ 0 लिख देंगे, अपॉन रूट थ्री, y इक्वल्स टू माइनस रूट टू अपॉन रूट थ्री को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 0। तो x की वैल्यू भी 0 आ गई और y की वैल्यू भी 0 आ गई। ओके, क्वेश्चन फर्स्ट का लास्ट पार्ट है, हमें यहाँ पे दो इक्वेशन दी गई है, 3 अपॉन 2x माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल्स टू माइनस 2, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। नेक्स्ट है एक्स अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल्स टू 13 अपॉन 6, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन होगी। अब हम क्या करेंगे, इस तरह की जो इक्वेशंस होती हैं जो फ्रैक्शन के फॉर्म में होती हैं, उनको पहले क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो जैसे फर्स्ट इक्वेशन है तो आप इनका एलसीएम ले लें, तो 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6। अब 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, और 3 को ऊपर 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x आएगा, माइनस अब इन दोनों को डिवाइड करो तो क्या आएगा, 6 और 2 3 को डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, और 2 5 ज़ा 10 y इक्वल्स टू माइनस 2। 9x माइनस 10 y इक्वल्स टू 6 की मल्टीप्लाई माइनस 2 से कर दीजिए तो क्या आएगा, माइनस 12 आएगा, हम इसको थर्ड इक्वेशन मान लेंगे। ओके, सिमिलरली हम इसके साथ भी करेंगे सेकेंड इक्वेशन के साथ। ओके, इनका एलसीएम लो तो आपके पास आएगा 6, और फिर जब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आएगा 2, और 2 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x प्लस 2, और 6 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, और 3 को y से मल्टीप्लाई करोगे तो 3y इक्वल्स टू 13 अपॉन 6। 6 से 6 कैंसिल, हाँ जी आप ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं, 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या इक्वेशन आई, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन आई। अब आपने क्या करना है, अब आप थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन से ही सॉल्व करेंगे, अब आपको फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की ज़रूरत नहीं है, अब आप इन्हीं से x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप थर्ड इक्वेशन को ले लीजिए, 9x इक्वल्स टू माइनस 12, 10y जब माइनस 12 के पास आया तो प्लस 10y हो गया, x इक्वल्स टू माइनस 12 प्लस 10y अपॉन 9, ये हमारे पास फिफ्थ इक्वेशन होगी, और इस फिफ्थ इक्वेशन को हम कहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, फोर्थ इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे। ओके, हम यहाँ लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फोर्थ। और फोर्थ इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13 है, तो 2x की वैल्यू कितनी है, माइनस 12 प्लस 10y अपॉन 9 ब्रैकेट क्लोज प्लस 3y इक्वल्स टू 13। देखो बच्चों, हालांकि 2 और इस ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई है, और 2 और 9 कैंसिल नहीं हो सकते, तो हम क्या करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई माइनस 12 से करेंगे तो आएगा माइनस 24, प्लस 2 की मल्टीप्लाई 10y से करेंगे तो आएगा हमारे पास 20y अपॉन 9 प्लस 3y इक्वल्स टू 13। ओके, 9 और 1 का जब एलसीएम लोगे तो 9 ही आएगा। अब यहाँ देखो, ये बहुत सिंपल है कि 9 और 9 को जब डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और उस 1 को जब हम इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही सेम आएगा, तो माइनस 24 प्लस 20y। ओके,
अब ये वन है और इस वन और इस नाइन को जब डिवाइड करोगे तो नाइन आएगा, और नाइन को जब थ्री वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 27 वाई इक्वल्स टू 13, ओके। माइनस 24, अब ये दोनों पॉजिटिव हैं तो हो जाएगा 47 वाई अपॉन 9 इक्वल्स टू 13। 13 के नीचे 1 मानो और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो जब माइनस 24 प्लस 47 वाई को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 24 प्लस 47 वाई ही आएगा इक्वल टू 9 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 39 जा 117, ओके। अब क्या करेंगे आप, 47 वाई इक्वल टू 117 माइनस 24 को इधर लेके आओगे तो प्लस 24 हो जाएगा, तो 47 वाई इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर लो, 11141 आ गया, ओके। अब आप क्या करेंगे, वाई इक्वल्स टू 141 अपॉन 47, जब आप इनको कैंसिल करेंगे तो 47 3 जा 141 आएगा, तो वाई की वैल्यू आ गई 3, ओके। अब इस वाई की वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट करेंगे किस में, फिफ्थ इक्वेशन में, ताकि हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाए, ओके। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन फिफ्थ, और इक्वेशन फिफ्थ क्या है, एक्स इक्वल्स टू माइनस 12 प्लस 10 वाई अपॉन 9, एक्स इक्वल्स टू माइनस 12 प्लस 10 मल्टीप्लाई वाई की वैल्यू कितनी है, 3 अपॉन 9, ओके। अब यहाँ देखो, एक्स इक्वल्स टू माइनस 12 प्लस 10 थीटा 30 अपॉन 9, एक्स इक्वल्स टू, इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तब तो हमारे पास आएगा 18 अपॉन 9, तो 9 2 18, तो एक्स की वैल्यू आ गई 2, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू 2 आई है और वाई की वैल्यू 3 आ गई, ओके। और इस तरह से हमने क्वेश्चन फर्स्ट फिनिश कर लिया है। क्वेश्चन टू सॉल्व, हमें दो लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं, एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ एम फॉर विच y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 3, ओके। हमें m की वैल्यू फिर फाइंड आउट करनी है। हम क्या करेंगे, हमें जो दो लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं उनको सब्सटीट्यूशन मेथड से x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और जब हमारे पास x एंड y की वैल्यू आ जाएगी हम इस पे पुट कर लेंगे और यहाँ पर फिर m की वैल्यू आ जाएगी, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करते हुए तो हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे और इससे फिर हम x या y में से किसी के एक की वैल्यू निकालेंगे, तो 3y को जब उधर लेगी तो -3y, x = 11 - 3y / 2, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई। और अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x - 4y = -24 है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है ना। अब हम इस पे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 2x है हमारे पास 11 - 3y / 2 (-4y = -24), 2 और इस ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई है, तो जिस वजह से हम इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 1 आ गया, और इस 1 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही आंसर आएगा, 11 - 3y - 4y = -24। 11 - 3y - 4y को जब हम ऐड करेंगे तो -7y = -24, ओके। अब क्या करेंगे, -7y = -24 और 11 को हम -24 के पास लेके जाएंगे तो -11 हो जाएगा। अब दोनों के दोनों नेगेटिव हैं तो हम उनको ऐड ही करेंगे और साइन माइनस का आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो y = 35/7 और 7 5 = 35, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। अब हम y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन थर्ड पे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, ओके। और इक्वेशन थर्ड है x = 11 - 3y / 2
टू एक्स इक्वल्स टू 11 माइनस 3 मल्टीप्लाई वाई की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन 2, एक्स इक्वल्स टू 11 माइनस 3 5 से 15 अपॉन 2, एक्स इक्वल्स टू इनको सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आएगा हमारे पास माइनस 4 अपॉन 2, 2 टू जो 4 ओके, और हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 2 आ गई है ओके, एक्स की वैल्यू है माइनस 2 और वाई की वैल्यू है हमारे पास 5। अब हमें क्या करना है, m की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें इस क्वेश्चन में जो हमें क्वेश्चन में जो इक्वेशन दी है इस पर x और y की वैल्यू पुट करेंगे ओके। हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन, हम यहाँ पे इक्वेशन लिख देते हैं y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 3, y कितना है 5 इक्वल्स टू एम मल्टीप्लाई एक्स कितना है माइनस 2 प्लस 3 ओके, 5 इक्वल्स टू माइनस 2 को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 एम प्लस 3, 3 को आप इधर लेकर आ जाइए 5 माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 2 एम, ये हो जाएगा 5 माइनस 3 कितना आएगा 2 आता है ओके, माइनस 2 एम, हाँ एम को यहाँ रख दीजिए 2 अपॉन माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल 1, तो m की वैल्यू क्या आई माइनस 1, ये वाला भी माइनस आएगा तो हमें m की वैल्यू मिल गई। और इस तरह से सेकंड क्वेश्चन भी हमारा फिनिश हो गया है। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में अपने सजेशन ज़रूर लिखें।